इसराइल्स करंट कैपिटल जो पैलेस्टीनियंस अपनी फ्यूचर कैपिटल क्लेम करते हैं इज अ होम टू होली साइट्स फॉर बोथ जुडाइज्म एंड इस्लाम। हाय गाइस, दिस इज कृति और आज की इसराइल पैलेस्टीन सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड टॉपिक जिसमें बात करेंगे व्हाट इज जेरूसलेम। जेरूसलेम इज अ सिटी जो इसराइल एंड वेस्ट बैंक के बॉर्डर पर स्ट्रैडल करती है। इट्स अ होम टू सम ऑफ द होलीएस्ट साइट्स इन बोथ जुडाइज्म एंड इस्लाम और यही कारण है कि इसराइल एंड पैलेस्टीन वांटेड टू मेक दिस प्लेस एज देयर कैपिटल। लेकिन आज भी फंडामेंटल क्वेश्चन यही है, हाउ टू स्प्लिट द सिटी फेयरली। 1948 जब इसराइल का क्रिएशन होता है उसके नेक्स्ट 20 साल तक जेरूसलेम वॉज डिवाइडेड। इसराइल ने जेरूसलेम एंड उसके सबवर्ब एरिया को कंट्रोल किया एज गिवन इन द मैप। जो रेड डॉटेड एरिया है दैट वॉज कंट्रोल्ड बाय इसराइल। जॉर्डन ने हर वो चीज़ जो ब्लू डॉट लाइन सेपरेट करती है उसको कंट्रोल किया। जॉर्डन कंट्रोल द टेम्पल माउंट जो कि एक हिल है इन द मैप्स ब्राउन स्प्लॉच। द हिल होस्ट्स द वेस्टर्न वॉल एंड रिटेनिंग वॉल ऑफ एन एंशिएंट ज्यूइश टेम्पल। जुडाइज्म की एक होलीएस्ट साइट है। लेकिन इस्लाम से रिलेटेड कौन सी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है? दीज आर टू, एक साइट अल अक्सा मॉस्क एंड दूसरी डोम ऑफ द रॉक। इसराइली ज्यूज वरंट अलाउड टू प्रे इनटू दिस एरिया क्योंकि इसको जॉर्डन कंट्रोल किया करता था। ड्यूरिंग द 1967 वॉर एज द कॉन्सिक्वेंस इसराइल ने ईस्ट जेरूसलेम को भी कंट्रोल कर लिया। इसराइल जेरूसलेम को अपना एक अनडिवाइडेड कैपिटल मानता है लेकिन दुनिया की कोई भी कंट्री डू नॉट रिकॉग्नाइज इट एज सच। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 478 इनफैक्ट कंडेम्स इसराइल्स डिसीजन टू अनेक्स ईस्ट जेरूसलेम बिकॉज ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है एंड वी ऑल आर लुकिंग फॉर अ प्रॉमिस सोल्यूशन। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में एक क्रूशियल रोल है लेकिन वो क्रूशियल रोल कितना क्रूशियल है इसके लिए हम ज़रूर एक वीडियो देखेंगे। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स कंसिस्टेंटली रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज जेरूसलेम एज इसराइल्स कैपिटल बिलीविंग दैट अ फॉर्मल अनाउंसमेंट कुड स्पार्क द वायलेंस जो कि बहुत ज़्यादा गलत होगा। हालांकि लास्ट ईयर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो एक पोजिशन रही है इस मामले में वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेबल है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया था कि वो उस लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन को चेंज करेंगे। न्यू अमेरिकन पॉलिसी के हिसाब से दे रिकॉग्नाइज जेरूसलेम एज इसराइल्स कैपिटल एंड इनफैक्ट इस रिगार्डिंग प्रोसीजर भी शुरू हो गया था एम्बेसी में बट स्टिल अलाउज फॉर नेगोसिएशंस ओवर व्हाट पार्ट ऑफ द सिटी वुड बी परमानेंटली इसराइली एंड व्हाट पार्ट्स वुड बी गिवन टू पैलेस्टाइन इन द इवेंट ऑफ पीस अग्रीमेंट। अज्यूमिंग दिस ट्रंप्स पॉलिसी हम ये नहीं कह सकते हैं कि सोल्यूशन हो चुका है क्योंकि अभी पीस प्रोसेस पर आना बाकी है। जब भी कोई ऐसा पीस अग्रीमेंट आता है और प्रैक्टिकल करने की बारी आती है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इनफैक्ट नॉट ओनली दिस वन, देयर इज एन इशू ऑफ इंश्योरिंग इजरायली एंड पैलेस्टीनियन एक्सेस टू होली साइट्स कि आखिर कौन सी साइट कौन सा देश कंट्रोल करेगा। बट ज्यूज हैव मूव्ड इन एंड अराउंड जेरूसलेम इन ह्यूज नंबर्स। दे नाउ मेक अप अबाउट 2/3 ऑफ द सिटी। हियर द प्रॉब्लम क्रिएट, ये अगर जेरूसलेम को बांटा जाता है तो आखिर कैसे डिवाइड किया जाए और इसमें क्या ये कॉन्फ्लिक्ट पीस पर आ पाएगा? We will have another episodes for it. Do let me know if you wanted to give any feedback regarding this one. And here we come to an end. What is Jerusalem and why it is in conflict? I hope now at least you know the basic concept behind it. Hit the like button if you understood the concept. Share it with the people because Israel-Palestine wala concept itna easy bhi nahi hai samajhna. We just covered 2 episodes. There are about 5 to 6 topics that we need to cover to understand the whole concept.